कर रही है, लोगों को सोशल सिक्योरिटी का दायरा दे रही है। और जिस तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में आज तक ओल्ड एज पेंशन स्कीम लागू नहीं है, सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में, तो बहुत बड़ा तबका भी है। तो आज मास कॉन्टैक्ट का प्रोग्राम जो आने वाले टाइम में इलेक्शन से पहले किया जाता है, उसको जोर शोर तरीके से एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी करेगी। लेकिन सर खाली योजनाओं पे तो चुनाव नहीं जीतेगा, खाली योजनाओं से जीतेंगे। तो हम लोग पॉलिटिकल लोग नहीं है क्या? पॉलिटिकल रणनीति भी बन रही है, उसी पे चर्चा हुई है। और आप समय पे आप देखेंगे आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी में, चाहे सोनिया जी हों, राहुल जी हों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, प्रियंका जी हों, उनके दौरे होंगे सबके। हमारी पार्टी के जितने सीनियर लीडर्स हैं राजस्थान के, वो अलग अलग जगह पे जाएंगे, छोटी बड़ी मीटिंगें करेंगे, मास कॉन्टैक्ट का प्रोग्राम होगा। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जो झूठ परोस रही है, जिनके पास कुछ कहने को नहीं है, 2018 में अगर राजस्थान की जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई तो 2019 में 4 महीने बाद 25 के 25 सांसद बीजेपी को भी दिए, तो क्या उनसे अकाउंट लेने का टाइम नहीं है? 4 महीने बाद लोकसभा का चुनाव है, 25 सांसद जिस प्रदेश ने बीजेपी को दिए हैं, उनसे भी तो हिसाब मांगने का टाइम है। उन्होंने राजस्थान के हित में क्या किया, क्या आवाज बुलंद की? भारतीय जनता पार्टी इस चीज को भूल गई है कि हमारी भी राजस्थान के प्रति कोई जिम्मेदारी है। लोगों ने अगर कांग्रेस की सरकार बनाई है तो बीजेपी को 25 सांसद दिए, तो हिसाब तो बराबर है। हम अपना अकाउंट सामने रख रहे हैं पब्लिक के, बीजेपी का अकाउंट खाली है, वहाँ बदहाली है, महंगाई है। और जिस तरह का राजस्थान के प्रति उनका रवैया रहा है, चाहे ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट हो, चाहे और बड़ी योजनाएं हो, राजस्थान तो ठगा सा महसूस कर रहा है। हमारा आरोप है बीजेपी के ऊपर, 25 सांसद देने के बाद भी राजस्थान को केंद्र की तरफ से जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला।